विधा है सुनाने की, और वो प्रभु प्रेरणा भी है, विधा क्या है जो भगवान कहलवा रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ। कांतानाथ भगवान बैठे हैं, वो कहलवा रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। भरत जी आ रहे हैं, भगवान राम ने सोचा नीत प्रीति, देखो एक चौपाई है, नीति प्रीति परमारथ स्वारथ कौन राम समझान यथारथ। नीति और प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ। भगवान ने सोचा कि एक नीति अपनाऊं और उस नीति से प्रीति का जन्म हो जाएगा। उस नीति से किसका जन्म होगा? प्रीति का। क्योंकि भरत में मां के प्रति प्रीति हो, भरत के अंदर मां के प्रति प्रीति हो, इसके लिए राम तुझे नीति अपनानी है। तो कौन सी नीति अपनाई भगवान राम ने? भगवान राम ने कहा, माता जी एक मेरी प्रार्थना है आपसे, सुन लीजिए। हाँ बताओ बताओ, क्या बात है? बात यह है कि 14 साल बाद लौटा, मैं तो नित्य प्रणाम करता था आपको, लेकिन चित्रकूट से जब से आप वापस अयोध्या आई तब से प्रणाम करने का अवसर नहीं मिला। तो कई वर्ष हो गए, कई महीने हो गए हैं, और वर्ष भी हो गए, कई महीने हो गए हैं। तो मैं आज जी भर के प्रणाम कर रहा हूं आपको, आप उठाना नहीं मुझे, मैं अपनी इच्छा से उठूंगा। क्योंकि अम्मा ने कहा ठीक है कर ले प्रणाम, मुझे क्या दिक्कत है। भगवान राम साष्टांग प्रणिपात करने लगे। भगवान सोच रहे हैं कि जब मैं साष्टांग प्रणिपात कर रहा हूं और इसी तरह पड़ा रहूंगा और भरत देखेगा तो निश्चित है इस नीति से प्रीति का जन्म हो जाएगा, और भरत भी कहना नहीं पड़ेगा, साष्टांग हो जाएगा। और फिर मैं तुरंत कहूंगा माता जी देखो साष्टांग प्रणिपात कर रहा है, अब आप क्षमा कर दो। क्यों भाई, क्या कर दो? क्षमा। ये नीति, इससे किसका जन्म होगा? प्रीति का, साष्टांग प्रणिपात। केकई अम्बा ने कहा ठीक, केकई अम्बा नहीं समझ पाई कि इसमें रहस्य क्या है। और जैसे ही भगवान राम साष्टांग प्रणिपात किए, इतने में भरत जी आ गए, और भरत जी ने जैसे देखा तो भरत जी भी साष्टांग प्रणिपात किए, साष्टांग पड़े हैं। भगवान ने जैसे ही देखा, अच्छा भगवान ने जैसे ही देखा, अब आप समझते जाना सुनते जाना, हमारी तरफ दृष्टिपात करना, पंखा बंद कर दो, उनको दिक्कत हो रही है क्योंकि हो सकता है ठंडी शाम के समय। हाँ आप इधर बैठ जाओ या कहीं बैठ जाओ, एक पंखा, जिसको दिक्कत हो वो पंखा बंद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वैसे हो सकता है। अच्छा पंखे की एक स्थिति है, अभी बंद भी कर दो तो 2 मिनट तक तो हिलता ही रहेगा, उसकी आदत है। क्यों महाराज, सही बात है कि नहीं? बंद भी कर दोगे तब भी वो हिलता, वो आदत कुछ लोगों की होती है ना। तो आओ ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात, अंतिम बात है ये, क्योंकि समय बढ़ता जा रहा है। भरत जी साष्टांग प्रणिपात किए, भगवान राम ने कहा माता जी देखो भरत से मैंने कहा नहीं था, लेकिन देखते ही वो शरणापन्न हो गया। केकई अम्मा ने कहा राम मैं देख रही हूं कि भरत साष्टांग लेटा हुआ है, लेकिन अंतर क्या है? तुम भवन के अंदर मेरे समीप मेरे चरणों में पड़े हो और भरत भवन के बाहर पड़ा है, अब ये क्या क्लियर है कि मुझे प्रणाम कर रहा है या तुम्हें कर रहा है? ये तो क्लियर नहीं है कि प्रणाम किसे कर रहा है, मुझे कर रहा है कि तुम्हें कर रहा है? मेरे पास आकर के प्रणाम करे तो क्लियर हो जाएगा कि मुझे कर रहा है। भगवान राम ने कहा ये भी हो जाएगा। भगवान राम ने कहा भरत खड़े हो जाओ। भरत जी खड़े हो गए, अंदर आओ। भरत जी ने कहा प्रभु अंदर तो नहीं आ पाऊंगा। केकई अम्मा ने कहा बस बात समाप्त, अब इसके आगे कोई बात नहीं, स्पष्टीकरण हो गया, अंदर नहीं आऊंगा प्रभु। भगवान ने कहा अच्छा मैं कह रहा हूं और अंदर नहीं आओगे, ये तो मेरी प्रार्थना तो सुन लो, आप भगवान हैं और मैं तो एक पुजारी हूं आपका, लेकिन मजबूरी यह है कि अभी पुजारी ने स्नान नहीं किया है तो बिना स्नान के मंदिर में कैसे प्रवेश करें? अच्छा ये मंदिर है,
पुजारी जब सुबह जाते होंगे तो महाराज कैसे जाते हैं बताइए आप, स्नान करके जाते हैं। और अगर भरत जैसा पुजारी अगर नियम तोड़ देता तो जो नियम भरत जी लागू करते वही नियम लागू होता, इसलिए समस्या है। भगवान राम ने कहा सरयू जी पास में स्नान करके आ जाओ, स्नान करके आ जाओ, पास में ही तो है सरयू। भरत जी स्नान करने चले गए, सुनते जाना ध्यान से। माताओं केकई ने चिंतन किया, मैं मां हूं ये बेटा है। देखो कभी भी विवाद को बढ़ाना नहीं चाहिए, राम राज लाना है तो विवाद को संवाद में परिणित करो, विवाद को संवाद में परिणित करो। ये उत्तरकांड प्रेरणा दे रहा है। केकई ने विचार किया क्या कि भरत सरयू स्नान करने गया है और वो आएगा लौट के, और ये भी कंफर्म है कि राम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा वो। राम फिर कहेंगे अंदर आओ स्नान करके तो वो पालन करेगा, लेकिन पालन तो करेगा लेकिन मां के प्रति श्रद्धा हृदय से होनी चाहिए। बोलो मां के प्रति श्रद्धा हृदय से होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं, इसमें दबाव की आवश्यकता नहीं है। और खास तौर से पुत्र के लिए तो नहीं है, क्यों भाई किसके लिए, पुत्र के लिए नहीं है, लेकिन भरत जैसा आदर्शवादी पुत्र, और आज ये विवाद बढ़ रहा है और मेरे कारण ही सारी स्थितियां परिस्थितियां प्रतिकूल हुई अभी तक, और आज इसमें भरत का भी अस्तित्व दांव पे लग रहा है, राम का भी अस्तित्व दांव पे लग रहा है, और राम राज्य का अस्तित्व भी दांव पर लग रहा है। और ये लीला का जो विस्तार हो रहा है, इस विस्तार में एक विवाद की भूमिका खड़ी हो रही है, जबकि इसमें क्या होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। धन्य है माता केकई, इसलिए मैं कहता हूं कि केकई को समझने की कोशिश करो। केकई अम्मा साधारण नहीं है, भरत जी स्नान कर रहे हैं और मां सरयू से कह रहे हैं कि मां अब तो भैया बुलाएंगे, मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि अब बहाना थोड़ी चलेगा, लेकिन मैंने कसम खाई थी कि जब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं सरयू मां की सौगंध खा रहा हूं कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं जिस भवन में केकई जी होंगी मैं प्रवेश नहीं करूंगा, लेकिन आज जाना पड़ेगा, कसम तो मैंने आपकी खाई थी। सरयू मैया ने कहा कि कसम मेरी खाई थी भरत, मैं वापस ले रही हूं कसम, प्रभु राम जैसा करे आज्ञा समन सुसाहेब सेवा, इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती दूसरी, आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये तो मैं भी समझ रहा हूं कि आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा मुझे, भरत जी नहीं करेंगे तो कौन करेगा भैया। और जैसे भरत जी स्नान करके आए तो भगवान राम ने कहा मैया अब मेरी एक इच्छा है, नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ कौन राम सम जान जथारथ। भगवान ने दूसरी नीति अपनाई प्रीति को स्थापित करने के लिए। दूसरी नीति क्या अपनाई, कहा मां आपके मन में ये भी तो भाव है कि पुत्र भी नहीं कहा, आया भी नहीं और पुत्र भी नहीं कहा। हाँ तो ये तो मैं कह ही रही थी कि आया भी नहीं वो, पुत्र भी नहीं कहा, ना पुत्र कहेगा ना वो मेरे पास आएगा। भगवान ने कहा चलो देखा जाएगा माँ, लेकिन मेरी इच्छा है क्या, आपकी गोद में बैठ जाऊं तो, और आप मुझे आशीर्वाद दें आज, फिर जो होगा सो देखा जाएगा, बैठ जाओ गोद में। भगवान राम केकई अम्बा की गोद में बैठ गए, केकई अम्बा ने अपना आशीर्वाद प्रभु राम के मस्तक पर अपना हाथ रख दिया, आशीर्वाद की मुद्रा है। भरत जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, भरत जी आए, देखा क्या केकई अम्बा की गोद में भगवान राम बैठे हैं और आशीर्वाद की मुद्रा है। भरत जी ने जैसे देखा तो भगवान ने पहला प्रश्न किया, भरत पहले ये बताओ स्नान किया, हाँ प्रभु स्नान हो गया। अच्छा स्नान करके तुम आ गए हो, अब इस समय क्या कर रहे हो, बोले दर्शन कर रहा हूं। अच्छा दर्शन कर रहे हो,
ये बताओ मैं कहां बैठा हूं। अगर दर्शन कर रहे हो, आप लोग दर्शन कर रहे हो, और यदि घनश्यामाचार्य जी कहें कि ये बताइए मैं कहां बैठा हूं, तो आप कहोगे महाराज सोफे पर आप बैठे। अच्छा व्यास जी कहां बैठे हैं, जगत गुरु व्यास आसन पर बैठे, बोले सिंहासन पर बैठे, क्योंकि जो वास्तविकता है उसको तो कहना पड़ेगा। तो भगवान राम भी ये सोच रहे हैं कि भरत तो स्पष्ट रूप से कहेगा कहेगा, भगवान राम ने कहा ये बताओ मैं कहां बैठा हूं। तो ये सोच रहे थे भगवान कि भरत ये कहेगा कि आप माँ की गोद में बैठे, क्यों भाई यही कहेगा कि आप माँ की गोद में बैठे, नाम नहीं लेगा मेरे सामने नाम नहीं लेगा, इतना ही कहेगा कि आप माँ की गोद में बैठे, तो माँ शब्द तो निकलेगा ही। भगवान राम ने कहा कि मैं कहां बैठा हूं, भरत जी ने कहा आप गोद में बैठे। अरे मैं किसकी गोद में बैठा हूं, क्लियर तो कर मैं किसकी गोद में बैठा हूं। भरत जी ने आंखों में आंसू भर के कहा कि आप अपनी मां की गोद में बैठे। भगवान राम ने कहा इसका मतलब है भरत तुमने केकई अम्बा को अम्बा के रूप में स्वीकार नहीं किया, मां के रूप में स्वीकार नहीं किया है। ठीक है मेरी मां तो है ही है, लेकिन तुमने अपनी मां के रूप में स्वीकार नहीं किया है, ये बात बिल्कुल सत्य है, और मां ने जो कहा था वो सत्य है। एक विवाद का विस्तार होने जा रहा है। भगवान राम ने कहा मां मैं सिंहासन का त्याग करता हूं सबसे पहले, और जिस राज्य के नागरिक मां को मां मानने के लिए तैयार नहीं है उस राज्य को मैं कैसे स्वीकार करूं, और जिस राज्य का नागरिक मां को मां नहीं मानेगा उस राज्य में राम राज्य तो हो ही नहीं सकता है। क्यों हो सकता है क्या, जहां का नागरिक मां को मां मानने को तैयार ना हो वो राम राज्य कैसे। भगवान राम रोने लगे, कहा मां सबसे पहले तो मैं सिंहासन का त्याग करता हूं। केकई ने कहा नहीं नहीं, समाधान मिल गया, यही समाधान मैं खोज रही थी, भरत ने ही आज समाधान किया है, जो मेरे हृदय में 14 साल पहले गिलानी थी वो भरत के शब्दों से थी, आज जो गिलानी दूर हुई है वो भरत के शब्दों से। क्या बात है, कितना उदार हृदय है अम्बा केकई का। देखो विवाद को किस में बदल रही है, संवाद में बदल रही है। कहा कि हे राम अब मेरी बात सुनो, तुम परमात्मा हो, तुम्हारी श्वासों से वेदों का जन्म हुआ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा जाकर नाम सुनत सुहोई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, वही राम हो तुम। और भरत कौन है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरतस होई। भरत जैसा संत नहीं है, राम जैसा भगवंत नहीं है। वेद वाणी और संत वाणी में कोई अंतर नहीं होता है, क्यों भाई होता है क्या, वेद वाणी और संत वाणी में कोई अंतर नहीं होता है। अभी तक तो मैं यही मान रही थी कि मैं भरत की मां हूं, और सारी दुनिया ये मान रही थी कि राम जो है कौशल्या के बेटे हैं और भरत केकई का बेटा है, लेकिन संतवाणी शास्त्रवाणी है, और संतवाणी का आदर पूरा जगत करता है, और संतवाणी का विश्वास पूरा जगत करता है। इसलिए आज भरत जैसे संत की वाणी से यह शब्द उद्घोषित हुआ है कि मैं केवल भरत की मां तो हूं ही। सारी दुनिया ये कहेगी, आज भी किसी भी शास्त्र को उठा के देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण को पढ़ लीजिए, उसमें सिद्ध है कि भरत को किसने जन्म दिया है, बोलो महाराज किसने जन्म दिया है भरत को, केकई ने। रामचरितमानस को उठा के पढ़िए किसने जन्म दिया है, केकई ने। आध्यात्म रामायण को उठा के पढ़िए किसने जन्म दिया है भरत को, केकई ने। प्रत्येक रामायण सतकोटि अपारा, प्रत्येक रामायण को आप, दक्षिण में तो बहुत रामायण है, अब सभी रामायण प्रमाण एक ही मिलेगा कि भरत को जन्म देने वाली मां कौन है, केकई, और राम को जन्म देने वाली मां कौन है, कौशल्या।
लेकिन आज भरत जैसे संत ने इस बात की घोषणा की है कि मैं राम की भी मां हूं, मैं राम की भी मां हूं। बोलो, यही कहा कि नहीं? आप अपनी माता की गोद में बैठे हैं, तो आज मुझे विश्वास हो गया कि मैं संत की भी मां हूं और भगवंत की भी मां हूं। यह सौभाग्य केवल दुनिया में मुझे मिला है और किसी को नहीं मिला है। तो जो राम भक्त होंगे वो राम की मां का आदर अवश्य करेंगे, और जो राम भक्त होंगे वो संत वचन पर विश्वास अवश्य करेंगे। ईमानदारी से बताओ, इसको क्या कहते हैं? सकारात्मक सोच। इसको क्या कहते हैं? सकारात्मक सोच। इसको क्या कहते हैं? विवाद में संवाद को स्थापित करना। बोलो, यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? और जैसे ही इस बात की घोषणा हुई तो भगवान श्री राम को उठा के हृदय से लगा लिया अम्बा के कई ने, कहा राम चलो तुम जहां ले चलोगे मैं वहां चलूंगी। और सम्मान पूर्वक केकई माँ को कौशल्या के बगल में रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्थापित किया गया है। प्यारे, केवल ये भाव शब्द भावात्मक ही नहीं है, ये केवल भाव की भूमिका ही नहीं है, दोहे का प्रमाण है। और दोहे और चौपाई से तो विस्तार भावों का होता ही है, एक भाव नहीं हजारों भाव प्रकट होते हैं कि नहीं होते हैं। केवल जो अर्थ लिख दिया गया वही अर्थ नहीं होता, उसका विस्तार अनेक प्रकार से होता है। इसी को कहते हैं कथा की परंपरा। आप कहोगे प्रमाण क्या है? प्रमाण है जिस समय अभिषेक की तैयारियां हो रही थीं, अगर केकई होती तो भगवान क्यों जाते? प्रभु जानी केकई ले जानी, प्रथम तास ग्रह गए हो भवानी, तो गए हैं राम जी कि नहीं गए? और गए हैं तो आई है केकई, इसका प्रमाण भी मिलना चाहिए। केकई नहीं थी, इसका प्रमाण मिला उत्तरकांड में। और केकई आई है समाज के मध्य, इसका प्रमाण मिला उत्तरकांड में। वो कैसे प्रमाण मिल रहा है? जब अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं तो भगवान श्री राम को तैयार किया जा रहा है, स्नान हो रहा है, सुंदर वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, लेकिन श्री किशोरी जी का भी श्रृंगार किया जा रहा है, किशोरी जी को भी दिव्य आभूषण पहनाए जा रहे हैं। प्रमाण क्या है? तो पहनाए किसने? बोले तीनों सासों ने पहनाए हैं, नाम किसी का नहीं है लेकिन बहुवचन में तीनों आ गईं। सादर सासुन जान कहीं, सासुन में कौन सा वचन होगा? एक वचन, दो वचन की बहुवचन होगा? बहुवचन क्यों भाई? तुम लोग भी तो पढ़े लिखे बैठे हो, सासुन में बहुवचन होगा। यहां नाम ना कौशल्या का है और ना केकई का है और ना ही सुमित्रा का है। सादर सासुन बहुवचन, संकेत मिल गया केकई का। सासुन जान कही मैं जन तुरत कराए, ओ देव बसन बर भूषण ही अंग अंग सजे बनाए। और ये भी एक विशेषता है प्यारे, क्या विशेषता है? कि सासें तीनों मिलकर बहू का श्रृंगार कर रही है। बोलो, कर रही है कि नहीं? तीनों सासें। आज सबसे बड़ी समस्या तो यही है, सास बहू में वैचारिक मतभेद हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? लेकिन आज यहां पर सासों ने मिलकर के बहू का श्रृंगार किया है, और उस बहू का श्रृंगार किया है जिस बहू ने सेवा धर्म को स्वीकार किया है, पातिव्रत धर्म को स्वीकार किया है, और जिस बहू ने सत्य को स्वीकार किया है उस बहू का श्रृंगार किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। इस प्रकार का करैक्टर, इस प्रकार का चरित्र जो है अगर बहू का हो जाएगा और इस तरह इसका चरित्र जो है पुत्र का हो जाएगा, पुत्र वधू का हो जाएगा, तो निश्चित रूप से उस घर में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। और आज अयोध्या में राम राज्य स्थापित हुआ। गोस्वामी जी ने लिखा है कि वशिष्ठ जी ने कहा कि राम अब विलंब मत करो, सिंहासन पर बैठो। भगवान राम ने गुरुदेव को प्रणाम किया। जितने भी ऋषि मुनि महात्मा थे, वैदिक विद्वान थे, उन सभी को प्रणाम किया। बोलो, किया कि नहीं? वहां लिखा है बैठे राम दुजन सिर नाई, सबको भगवान ने प्रणाम किया। इससे सिद्ध होता है
कि जहां अपने से बड़ों का सम्मान होगा वहां निश्चित रूप से राम राज्य होगा। तो आज यहां राम जी ने सबका सम्मान किया, राम राज्य की भूमिका बन गई। वशिष्ठ जी ने कहा बैठो, और जैसे आज्ञा मिली भगवान सिंहासन पर बैठे। तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, उपन बिप्रण कह आयशु दीना, राम राज बैठे त्रैलोका। अयोध्या राज्य का सिंहासन है, अवध राज्य का सिंहासन है, लेकिन बोलो सिंहासन का संदेश त्रैलोक में चला गया? असर बोलो त्रैलोक में हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अरे दिल्ली में शपथ ग्रहण हो और अमेरिका में खुशियां मनाई जाएं, तो ईमानदारी से बताओ संदेश अच्छा गया कि नहीं गया? यहाँ राम राज्य बैठे त्रै लोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका, बैर न कर काहू शरण कोई, राम प्रताप विषमता खोई, सब नर करहिं परस्पर प्रीति, चलहिं सुधर्म निरत श्रुति नीति, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अवध न लक्षण हीना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुए नहीं व्यापा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। यह है राम राज्य हो गया। अब महाराज आप भगवान का तिलक करें, आरती की तैयारी करें, और सभी जो है ठाकुर जी के चरणारविंदों में आज राम राज्याभिषेक का इस महामहोत्सव जो है तो अपना समर्पण करें। भगवान के श्री चरणारविंदों में जिसको भी जो समर्पण करना हो वो करें। और इस महोत्सव में कल इसका विश्राम होगा, ब्रह्मोत्सव। आज राज्याभिषेक का उत्सव, कल कल्याण महोत्सव। कल कौन सा महोत्सव है? ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत कल्याण महोत्सव, ठीक है ना? ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत कल्याण महोत्सव कल विश्राम होगा। इसलिए आप सभी जो है भगवान के श्री चरणों में अपनी प्रणति निवेदित करें, और दो बार जरा कीर्तन जरूर कर लें, क्योंकि आज अभिषेक राज्याभिषेक हुआ, कथा का विश्राम हुआ। हमारे जगत गुरु घनश्यामाचार्य जी महाराज और पूरा ये लक्ष्मी नारायण मंदिर, वेंकटेश मंदिर, चाहे अलोपी बाग तीर्थराज प्रयाग का मंदिर हो, चाहे वो तिलधा तुलसी का मंदिर हो, वेंकटेश मंदिर, ये पूरा परिवार हमारे कामदगिरि परिवार से जुड़ा है। रामानुज परिवार ही रामानंद परिवार से जुड़ा हुआ है, और आप सबने इस महामहोत्सव में, ब्रह्मोत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अब कल्याण महोत्सव का आनंद कल आपको प्राप्त होगा। और मैंने जो निर्देश दिए हैं कि इस दिव्य ब्रह्मोत्सव को प्रतिवर्ष मनाया जाए, और वर्ष में जितने भी उत्सव वेंकटेश लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर में, बालाजी मंदिर में, जो तिलधा तुलसी में स्थापित हैं, इसमें होते हैं, उसको आप सब अपना ये दिव्य बालाजी धाम समझ करके, इस दिव्य लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर समझ करके, इसको आप अपना उत्सव समझें, अपने महोत्सव समझें। इसमें हमेशा परिवार सहित तन मन धन से सहयोगी बने रहें, और आप सभी इसको संपन्न कराते रहें, और संत आते रहेंगे, संतों का आशीर्वाद समय समय पर मिलता रहेगा, और उसमें निश्चित रूप से श्रेय जगतगुरु श्री हमारे घनश्यामाचार्य जी का ही रहेगा। जब जिसको चाहेंगे, इनका व्यवहार पक्ष बड़ा प्रबल है, वो संत महात्मा आते रहेंगे। आओ दो बार कीर्तन। राजा राम 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 सीता
सनातन धर्म की जय जय सीताराम। सतगुरुदेव भगवान की जय। हम आप सभी पावन श्री राम कथा पूज्य पाद श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य